तो स्टूडेंट, आज हम जो है इंसर्ट मेन्यू को करने जा रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर। इंसर्ट मेन्यू में देखिए हम क्या देखेंगे, कवर पेज, ब्लैंक पेज इंसर्ट करना, पेज ब्रेक करना, टेबल क्रिएट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना, शेप्स को इंसर्ट करना, स्मार्ट आर्ट्स, चार्ट्स वगैरह इंसर्ट करना। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं कवर पेज की। देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट कवर पेजेस हैं, जो कवर पेज आपको अच्छा लगता है उस कवर पेज को आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये देखिए ये जो कवर पेज है, ये हमने कवर पेज जो है वो इंसर्ट कर दिया इस तरीके से। यहाँ पे आप ये डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको लगे, डेट डालना है डेट डाल दीजिए, ये डालना है ये डाल दीजिए। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का टाइटल आ जाएगा, जो भी टाइटल्स आप डालना चाहें। ये जैसे हमने डाल दी यहाँ पे आर्ट, उसके बाद में देखिए जैसे मान लीजिए आपको कोई कंपनी नेम डालना है, कोई डेट डालनी है, वो आ जाएगी यहाँ। देखिए इसके बाद आपके कवर पेज और आपके टेक्स्ट के बीच में आपको एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे एक ब्लैंक पेज जो है वो इंसर्ट हो गया। क्लियर है, ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया। अब मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि इसके बाद का जो डेटा है वो मेरा नेक्स्ट पेज पे चला जाए, क्लियर, तो हम यहाँ से किसका यूज करेंगे, पेज ब्रेक का यूज करेंगे। कंट्रोल एंटर भी कर सकते हैं आप, उससे भी हो जाएगा। क्लियर, अब उसके बाद देखिए हम देखते हैं किसको, टेबल को क्रिएट करते हैं। इस पेज के ऊपर अपन देखते हैं टेबल को क्रिएट करते हैं इस तरीके से। जैसे मान लीजिए आपको जितनी भी टेबल बनानी है आप टेबल बना सकते, क्लियर है। देखिए ये हमने टेबल बना दिया, क्लियर है। अब इसके अंदर कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर है, यहाँ पे आपका इंडेक्स आ गया, और यहाँ पे आपका पेज नंबर, ठीक है। क्लियर, अगर मान लीजिए आपको इसके अलावा एक और कॉलम चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये एरो आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक के बाद में क्या करेंगे आप, राइट क्लिक, यहाँ पे जो है राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो इंसर्ट आ रहा है, इंसर्ट कॉलम आपको लेफ्ट में चाहिए राइट में चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे को राइट में चाहिए तो देखिए राइट में जो है मेरे एक कॉलम आ गया। अब मान लीजिए अगर आपको रो चाहिए और, तो या तो आप टैब की प्रेस करें, कॉन्सेंट्रेट रहिएगा, टैब की प्रेस करें, ठीक है, या फिर क्या करिए इस तरीके से एरो आ जाएगा और आप जो है राइट क्लिक करके, अब आपको जो रो है वो ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए, ये क्लियर है। उसके बाद मान लीजिए कलर को जो है, अगर मान लीजिए आपको कलरिंग वगैरह करना है, इस तरीके का कलरिंग करना है, ये देखिए बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इस तरीके का कलर आ गया। आपको बैंड्रो, बैंड्रो का मतलब है एक हाईलाइटेड है, एक डार्क है, एक इस तरीके से, ठीक है। कॉलम्स जो है, फर्स्ट कॉलम अगर मान लीजिए आपको नहीं रखना है इस तरीके से, डार्क हटा दीजिए, बैंड्रो ये बैंड कॉलम रखने हैं इस तरीके से रख सकते हैं आप। नॉर्मल जो है इसका स्टाइल जो है, अगर मान लीजिए प्लेन चाहिए तो आप इसे प्लेन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये आपका जो है इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेबल क्रिएट करना होगा। उसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करवानी है, हम पिक्चर के ऊपर जाएंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे पिक्चर को इंसर्ट करवाएंगे। हमने पिक्चर को इंसर्ट करवा लिया, तो देखिए यहाँ पे ना इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक, क्लियर है, उससे आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगर हम बात करें इसकी, जैसे मान लीजिए देखिए ब्राइटनेस जो है वो इंक्रीज हो रहा है इमेज का, और अगर मान लीजिए डिक्रीज करनी है तो इस तरीके से इमेज का जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज कर सकते हैं, क्लियर, ये नॉर्मल होगा। उसी तरीके से कंट्रास्ट, देखिए कंट्रास्ट बढ़ता हुआ चला जाएगा, कंट्रास्ट हम देखते तो
ये हमारा नॉर्मल फेस। उसके बाद में रीकलर, रीकलर की बात करें, देखिए ये अलग अलग कलर मोड हैं, डार्क वेरिएशन हैं इसके, कुछ ऑफ वेरिएशन हैं, जो भी कलर आप करेंगे। इसके अलावा कोई और वेरिएंस लेना हो, देखिए देखिए अलग अलग वेरिएंस जो है आ जाएंगे, क्लियर है। उसके बाद में देखिए कंप्रेस इमेज की अगर हम बात करें, तो कंप्रेस इमेज कहाँ से, ये जो पॉइंट्स दिए हुए यहाँ से आप कंप्रेस कर सकते हैं। अगर इमेज को चेंज करना है तो आप यहाँ से इमेज को चेंज भी कर सकते हैं, देखिए यहीं पे जो है इमेज जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी, क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम जो है फ्रेम देखेंगे, ये फ्रेम्स लग गए, ये देखिए ये इस तरीके से, इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके की डायरेक्शंस हो गई, इस तरीके की डायरेक्शंस हो गई, ये हो गई, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, और ये देखिए क्लियर है। अगर मान लीजिए कोई शेप बनानी है आपको, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये देखिए ये शेप बन, इसका बॉर्डर रखना है अगर आपको, देखिए पहले आप जो है बॉर्डर लगा लीजिएगा, अदरवाइज जो बॉर्डर है वो आपका अपीयर नहीं होगा। देखिए हमने बॉर्डर लगा, बॉर्डर लगाया है। अब जो है आप कोई भी बॉर्डर लगाएंगे किसी भी कलर का, इस तरीके से बॉर्डर, ठीक है, क्लियर है। और इसमें देखिए बॉर्डर की थिकनेस अगर आपको इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, देखिए बॉर्डर की थिकनेस। उसके बाद में इफेक्ट्स हैं अलग अलग, शेडो है जिसे मान लीजिए, ठीक है, अब देखिए हल्का सा शेडो आ गया, क्लियर है, ये देखिए ये बैकग्राउंड में देखिएगा हल्का शेडो आ गया है। उसके बाद में ग्लो करना है पिक्चर्स को, तो इस तरीके से ग्लो हो जाएगा पिक्चर का, ये देखिए आउटसाइड में ग्लो आ गया है। अगर रोटेशंस करने हैं या इस तरीके का बनाना है तो इस तरीके का इमेज बन जाएगा। यहाँ पे इफेक्ट्स थोड़ा लेट आ रहा है, अकॉर्डिंग टू सिस्टम जो है वेरी करता है, देखिए ये इस तरीके से। पोजिशनिंग वाला सेशन जो है वो हम बाद में करेंगे। उसके बाद में देखिए क्या है, उसके बाद में क्लिप आर्ट है, जैसे क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट क्या होता है, थोड़ा सा एनिमेटेड इमेजेस होती है, कार्टून टाइप इमेजेस जिन्हें बोलते हैं। अगर उस तरीके की इमेज आपको इंसर्ट करवानी है, ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी डाली जाती है, देखिए लाइक जैसे मान लीजिए ये हमने, या फिर आप जो है जैसे एनिमल ले लीजिए, कैटेगरी कार ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ये देखिए ये अलग अलग कैटेगरीज आ गई, देखिए ये कैटेगरीज आ गई। और देखिए वही सेम चीज है, आपको ब्राइटनेस वगैरह करवानी है ये पिक्चर्स की, ये देखिए थोड़ा सा लेट अपीयरेंस आ रहा है इसमें, ठीक है, ये नॉर्मल हो। वही फ्रेमिंग्स हैं, जैसे मान लीजिए फ्रेम करना है, फ्रेम हो जाएंगे, वही ऑप्शंस आप अप्लाई करके देखिएगा, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आप जो है क्लिप आर्ट इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू, आज हम इतना ही करेंगे।